क्लास 7, सब्जेक्ट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एमएस एक्सेस। सो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सेस में क्यूरी क्रिएट करना सीखेंगे। सो स्टूडेंट्स, जो क्यूरी है वो क्या वर्क करती है? ये हमारे डेटा को एक्सट्रैक्ट कर देती है। एक्सट्रैक्ट मीन्स कि हमने एक कंप्लीट डेटा अगर बनाया हुआ है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने टीचर्स का डेटा क्रिएट किया है, लेकिन जस्ट मुझे नीड सिर्फ टीचर्स के नेम और सैलरी की है, तो उसके लिए मैं दोबारा डेटा क्रिएट नहीं करूँगी, क्योंकि अगर दोबारा डेटा क्रिएट करेंगे तो टाइम लगेगा। सो स्टूडेंट्स, हम क्यूरी के थ्रू अपना टाइम भी वेस्ट होने से बचाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्रिएट मेन्यू में जाएंगे। क्रिएट मेन्यू नंबर 4 पैनल है अदर। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें दो ऑप्शन है, क्यूरी विजार्ड एंड क्यूरी डिज़ाइन। सो क्यूरी क्रिएट करने के लिए क्यूरी डिज़ाइन को क्लिक करेंगे। सो स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर पैनल ओपन हो गया है। अब इस टेबल को हम ऐड करेंगे और पैनल को क्लोज कर देंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर डेटा है इस पैनल में जो ऑप्शंस हमें चाहिए, और नीचे जो पैनल मौजूद है वहाँ से हम ऑप्शंस को सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें टीचर्स के नेम का डेटा क्रिएट करना है, तो यहाँ पर मैं टीचर्स के नेम सेलेक्ट कर लूँगी, और सेकेंड कॉलम में हम इनकी सैलरी और अब सेव कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर साइड में एक क्यूरी ऑप्शन शो हो रहे हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पर पहले शो नहीं हो रहा था। इसे क्लिक करें और देखिए यहाँ पर क्यूरी जो है वो शो हो रही है। और अगर स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर टीचर्स के सब्जेक्ट भी शो करने हैं, तो डिज़ाइन व्यू थर्ड कॉलम में आकर सब्जेक्ट्स को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसे आप सेव करें और डेटा शीट व्यू में आकर व्यू करें, और देखिए यहाँ पर हमारे पास जो सब्जेक्ट हैं वो भी शो हो रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्यूरी जो है वो हमारा टाइम भी वेस्ट होने से बचाता है, और देखिए यहाँ पर जो बड़ी शीट थी टीचर की डेटा की, वो हमने एक्सटेंड करके छोटी डेटा शीट में क्रिएट कर ली है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप जो भी मैंने आपको सिखाया है डेटा के बारे में, वो आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। घर पर प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।